इस मॉडल में अनेकों पंखे हैं और सभी ऐसे पंखे हैं जो घूमने वाले हैं। इसके लिए आपको दिवाली के दिए, एक प्लास्टिक की बोतल, झाड़ू की सीख आदि चाहिए। ये दिवाली के दिए हैं। मोम खत्म होने के बाद में एक कटोरी जैसी एल्युमिनियम की बच जाती है। एल्युमिनियम बहुत ही एक सॉफ्ट मेटल है। उसके रिम पर आप 16 छोटे छोटे से कट लगाएं और उन सबको ट्विस्ट करके एक तरह का एक टर्बाइन जैसा छोटा सा बना दें। उसके बाद में इस के बीचों बीच में एक छोटा सा छेद करें और उसके अंदर एक फ्रूटी की स्टिफ स्ट्रॉ को आप एक बेयरिंग जैसे डाल दें। देखिए, इसके अंदर हमने एक पिन लंबी फंसा दी है और अगर आप पिन की नीचे की नोक को पकड़ के फूकेंगे तो ये टर्बाइन गोल गोल करके घूमेगा। अब एक फ्रूटी की स्ट्रॉ के ऊपर इस तरह के दो टर्बाइन आप बाएं और दाएं फिट कर दें। अगर आप फूकेंगे तो दोनों के दोनों टर्बाइन घूमेंगे। उसके बाद में एक लंबी बांस की सीख लें और उसमें दो इस तरह के मॉड्यूल्स यानी चार टर्बाइन को आप क्रॉस वाइज फंसा दें। बीच में एक टर्बाइन और लगा दें पर ये बीच वाला घूमेगा नहीं, ये केवल शो के लिए है। अगर आप फूकेंगे तो चारों कोनों के टर्बाइन घूमेंगे। अब ये एक तरह का स्टैंड है। एक डब्बे में आप बोतल का ढक्कन चिपकाएं और एक मोटी स्ट्रॉ लगा दें। उसके बाद में 2 लीटर प्लास्टिक की बोतल से आप ये पंखा बनाएं। इसके अंदर करीब 12 ब्लेड होंगे। हर एक को ट्विस्ट करें और उनको कलर टेप से मनमोहक रंगों से सजा दें। देखिए, ढक्कन में एक छेद है और ये छेद थोड़ा ढीला होगा, ये पीली स्ट्रॉ के अंदर एक लूज फिट होगा। ऊपर से फूकेंगे तो प्लास्टिक का ये पंखा भी गोल गोल घूम गया। उसके बाद जो बांस की सीख है उसको आप पीली स्ट्रॉ में डाल दें। ये सीख पीली स्ट्रॉ में ढीली होगी, एक बुश बेयरिंग का काम करेगी पीली स्ट्रॉ। उसके बाद में जैसे ही आप इस मॉडल को एक पंखे के नीचे रखेंगे, सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे, तो 5 के 5 पंखे गोल गोल करके घूमेंगे। 4 एल्युमिनियम के घूमेंगे और एक नीचे का प्लास्टिक का है। और क्योंकि आपने उनको मनमोहक रंगों से सजाया है इसलिए देखने में भी बेहद सुंदर नजर आएंगे। प्लास्टिक का पंखा और एल्युमिनियम के पंखों क्योंकि अलग अलग दिशाओं में ट्विस्टेड हैं तो उनके घूमने की दिशा भी विपरीत होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों को इस खिलौने से खेलने में कितना अपार आनंद आ रहा है।